हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे इस पौधे के बारे में जिसका नाम है मोथा। दोस्तों, प्रकृति से ये घास है, स्वभाव से भी घास है। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है, जब बात इसकी प्रकृति और स्वभाव की हमने की, तो जो प्रकृति घास की होती है, जो स्वभाव होता है बढ़ने का, एग्जिस्ट करने का, वही इस पौधे का भी है। दोस्तों, इसका नाम दोस्तों बताया जैसा कि मैंने, मोथा है, और ये अनवांटेड प्लांट है फार्मर्स के लिए, एक अनवांटेड प्लांट है। दोस्तों, खेतों में ये अपने आप ही बढ़ती जाती है, मल्टीप्लाई होती युक्ति जाती है। इस पौधे को तो किसानों का दुश्मन तक कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि धान आज की खेती में जब वो फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके बढ़ती रहती नीचे, और उसके न्यूट्रिशन को खेत के मिट्टी के खुद एब्जॉर्ब कर लेती, तो जिससे धान की फसल या जिस भी फसल के लिए किसान तैयार कर रहा अपनी फसल को, वो ग्रोथ नहीं पाती है। ये तो रही दोस्तों इसकी एक ऐसी जानकारी जिसके मैंने सोचा आपसे शेयर ज़रूर करूं। अब समझते हैं दोस्तों इस घास को अपने यहाँ लगाने के बारे में। ये दोस्तों हमारे यहाँ अर्बन गार्डनिंग में शहरों में एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। ये हैंगिंग में भी और इसको 8-10 इंच के गमले में, दोनों में हम लगा सकते हैं। दोस्तों, बात कर लें इसकी सीधे सीधे पहले कि इसकी हम पोजीशन कहाँ करें। लगाने के बाद इसको दोस्तों हम ऐसी जगह रखें जहाँ अच्छी सी धूप मिले इसको। ये पौधा दोस्तों प्रकृति से ही ऐसा है कि इसको धूप बहुत चाहिए। दोस्तों, इसकी जड़ें जो हैं आपस में गांठ गांठ से होती, बड़ी उलझी हुई होती हैं। ऐसे में मिट्टी भी थोड़ा इसको सॉफ्ट होनी चाहिए। वैसे तो जब ज़मीन में है तो ये कैसे भी ग्रो कर लेगा, लेकिन जब हम इसको पॉट में डाल देते हैं दोस्तों, तो इसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं ग्रोथ की। तो ऐसे में हम 6 महीने के बाद, ये ज़रूरी है कि हम जिस भी पौधे में लगाएं इसको रूट प्रूनिंग करें। 6 महीने के बाद रूट प्रूनिंग करना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ ये पौधा खिलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं दोस्तों, नीचे जड़ें उलझती जाती हैं। ये ज़रूरी चीज़ थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी था। दोस्तों, पानी का जो सब पौधों के लिए नियम है, इसके लिए भी यही है। दोस्तों, जब भी पौधे की पानी की ज़रूरत होती है, मिट्टी उसकी बताने लगती है, 2-3 इंच जब हम खुदाई करते हैं, अगर वो सूख गई है तो हमें वाटर सप्लीमेंट कर देना चाहिए। फर्टिलाइज़र में दोस्तों ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पसंद करने वाला प्लांट है, क्योंकि इसमें पत्तियाँ बहुत सारी होती हैं, पत्तियों की ग्रोथ के लिए, पत्तियों की चमक के लिए, पत्तियों के विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। और जो कि दोस्तों पत्तियों, इसमें तना नहीं होता है, इस पौधे में तना नहीं होता, पत्तियाँ ही पत्तियाँ होती हैं दोस्तों। तो इसका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, टोटल का टोटल पत्तियों के थ्रू होगा। तो पत्तियाँ साफ सुथरी होनी चाहिए, उस पर अगर डस्ट बहुत पड़ी होगी, उस पर अगर कीड़ों का अटैक होगा तो पत्तियाँ कमज़ोर होंगी, पत्तियाँ कमज़ोर होंगी तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्टर्ब होगा और वो अल्टीमेटली पौधा ख़राब हो जाएगा। तो हमें जैसे हम वाटरिंग पर कंट्रोल रखते हैं कि नीचे वाटरिंग हम बहुत मैनेज्ड वे में करते हैं, उसी तरह ही हमकी पत्तियों को भी बहुत साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। अर्थात ये कि इसको हम लगातार हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, कम से कम हफ्ते में 1 दिन ज़रूर वाटर स्प्रे करते रहें। इंसेक्टीसाइड जो भी हमारे पास हैं, नीम का ऑयल वगैरह जो भी हम बता भी चुके हैं, वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इस पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके दोस्तों, ये हम स्प्रे करते रहें। ये पौधा टेम्परेचर में बहुत अच्छा ग्रो करता है, टेम्परेचर इनसे बढ़ा हुआ टेम्परेचर 40-42 डिग्री का टेम्परेचर पाता है, ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है। और मॉइस्ट लविंग प्लांट भी है साथ में दोस्तों, तो जब ये ऊपर जैसे ही बढ़ता है वैसे मिट्टी का पानी खींचता है, तो मिट्टी में पानी हमको थोड़ा सा इंटरवल हमारा कम हो जाएगा देने का, ऑटोमेटिक जब आप चेक करेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर आपसे चर्चा करनी थी ज़रूरी इस पौधे के बारे में दोस्तों। और फर्टिलाइज़र मैंने बताया कि नाइट्रोजन भी रिच, आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, NPK डाल सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी डाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। कारण क्या है कि ये कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसका कि हम कोई और फ्रूट लें और वो उसको यूज करें तो हमारे लिए नुकसानदेह हो। इसको दोस्तों हम ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर सनलाइट अच्छी मिले। तो अब आप देखिए हैंगिंग में हमने 2 प्लांट तैयार कर रहे हैं हम। अभी जैसे ही फरवरी मार्च आएगा इसका अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और एक ऐसी सुंदरता दिखाता है दोस्तों कि इसकी ग्रीनरी अलग है और पौधों से इसकी ग्रीनरी अलग है।
और स्वभाव से घास है तो बहुत लीस्ट केयर पे है। ये जो चीज़ें मैंने आपसे पॉइंटर्स बात किए, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपने आप ही ये पौधा आपको बहुत खूबसूरती देगा। हाँ, आपको सलाह देना ज़रूर चाहूँगा, इस पौधे को आप नर्सरी से ले आएँ बेहतर रहेगा। ये मुझको 10 रुपये का केवल कास्ट किया, 10 रुपये घास है मैंने बताया, बहुत आसानी सूख जाती है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना पड़े तो 100% अवॉइड करिए इसको, किसी न किसी नर्सरी में आपको ज़रूर मिल जाएगा, ऑनलाइन परचेज में इसको कास्टली पड़ने वाला है आपको दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी जो मैंने मोथा प्लांट के बारे में बात की आपसे, ये आप अपने घरों में जब लगाएंगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे, और अपने पौधों कम से कम 2 से 3 पौधे ज़रूर लगाइए दोस्तों। अभी जैसे गर्मी आएंगे हम इसको 9-10 इंच के इसके गमले में भी लगाएंगे, क्योंकि इसकी खूबसूरती देखते बनती है जब ये पूरी तरह से खिल जाता है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। थैंक यू।